और ये धनिया की पत्ती है, इसको भी ऐसे सजा दे रहे हैं। ये थोड़ा सा क्रीम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पनीर पसंदा सब्जी कितना अच्छा देखने में लग रहा है, और जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा टेस्टी खाने में लगेगा। तो आप ज़रूर मेरे तरीके से एक बार अपने घर पे ट्राई करके देखिए पनीर पसंदा सब्जी कितना लजीज और कितना लाजवाब लगता है खाने में और बनाने में भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ऐसे रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो खाएगा उस वो आपका इतना तारीफ़ करेगा कि तारीफ़ करते करते वो थकेगा ही नहीं। सब्जी का नाम है पनीर पसंदा। तो पनीर पसंदा सब्जी हम बनाने जा रहे हैं, तो देखिए उसके लिए हमको क्या क्या सामग्री का ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। ये पनीर का स्टफिंग बनाने के लिए मैं ये सारा सामग्री साइड में रखी हूँ। तो ये देखिए, ये काजू बादाम किशमिश है, इसको एकदम बारीक बारीक चौक चौक कर ली हूँ। देखिए इसको इधर रख ली हूँ। ये धनिया की पत्ती है, थोड़ा सा ये अरा रोट है दो चम्मच, और ये हरा मिर्च है दो, और ये पनीर हमारा आधा किलो है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक ली हूँ, ये चाट मसाला है। तो ये पनीर का जो हम स्टफिंग बनाने के लिए ये सामग्री है, तो इसको मैं साइड में रख ले रही हूँ। अब देखिए जो हमको ग्रेवी बनाना है उसका सारा सामग्री यहाँ पे मैं रखी हूँ। तो ये देखिए, ये काजू है बादाम है, इसको मैं गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट भिगो दी थी, एकदम अच्छे से फूल गया है। और ये क्रीम है, क्रीम कम से कम 3 से 4 चम्मच है। और ये देखिए लहसुन है, अदरक है, ये धनिया की पत्ती है, ये 2 टमाटर है, ये 3-4 प्याज काटी हूँ मीडियम साइज का, हरा मिर्चा अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद है। और यहाँ पे देखिए एक कस्तूरी मेथी है, आधा चम्मच जीरा है, थोड़ी सी हींग है, और ये जीरा पाउडर है 1 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, गरम मसाला है 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच। तो ये हम सारा ग्रेवी बनाएंगे, तो इसको मैं इधर रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको जो पनीर का स्टफिंग बनाना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पनीर है हमको कट करना है, तो देखिए हम इतने बड़े बड़े टुकड़े में, इसको एक टुकड़े में 4 भाग कर रही हूँ, और इसको हम ऐसे बीच से काटेंगे। देखिए तो हमको ऐसे इसको कट करना है कि ये जो कोना है, ये इस कोने को हमको अलग नहीं करना है। देखिए ऐसे ही कट करके इसको साइड में हम रख लेते हैं। तो ऐसे करके हम सारा काट के इसको रख लेते हैं, तब बताते हैं क्या करना है। तो आप देख सकते हैं मैं सारा पनीर कट करके रख ली हूँ। देखिए तो इसको अब इसका स्टफिंग बनाने जा रही हूँ। तो देखिए ये जो साइड का पनीर बचा हुआ था इसको मैं दूसरे प्लेट में रख ली हूँ, और इसमें तो देखिए चम्मच से हमको ऐसे जो पनीर है इसको ऐसे मिक्स कर देना है। आप चाहे हाथ से भी कर सकती हैं, नहीं तो आप चम्मच से भी कर सकती हैं। और जो सामग्री है इसमें हम ऐड करेंगे, तो हम बताते हैं। ये देखिए जो हम ड्राई फ्रूट रखे थे इसको हम इसी में ऐड कर लेंगे। काजू है, किशमिश है, बादाम है, ये धनिया की पत्ती है थोड़ा सा, ये चाट मसाला है, अदरक है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं, और ये मिर्चा है इसको भी ऐड कर लेते हैं, और इसको हम हाथों से एकदम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करना है, तो आधा चम्मच नमक ऐड कर दे रही हूँ इसमें, और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करके हाँ। तो देखिए हमारा पनीर पसंदा का जो स्टफिंग है ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमको क्या करना है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए जो हम पनीर इसको कट करके रखी हूँ, देखिए एक किनारे का कोना लगा है, तो इसको हम ऐसे करके ये जो है इसको ऐसे करके छोटा सा इसमें ऐसे हमको भर देना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारा करके रख देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है अच्छे से सेट करके मैं रख दी हूँ, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली थी इसको हम गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे और इसी में लगा के हम फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकती हैं ये जो अरारोट है इस पर मैं पानी डाल दी हूँ 3 से 4 चम्मच, और इसको मैं गाढ़ा पेस्ट बनाऊँगी। तो हम इसका पेस्ट इसलिए बना रही हूँ कि जो पनीर है उसमें जो हम स्टफिंग भरी हूँ
तो उसमें मैं लगा के फ्राई करूँगी तो वो निकलेगा नहीं और अच्छे से सेट हो जाएगा। देख सकते हैं एक चम्मच मैं इसमें सरसों का तेल ऐड की हूँ और इसमें जो है ये काट के रखी थी इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। ये जो प्याज है, टमाटर है, हरा मिर्चा है, अदरक है, लहसुन है, ये सारा हमको भूनना है। हमको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, उतना ही हमको इसको भूनना है। तो ये आप देख सकते हैं काजू है, बादाम है, चार पांच काजू है, चार पांच बादाम है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं और ये सारा हम पेस्ट बनाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हमको भूनना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद मिलते हैं, तब तक ये जो हम पनीर बना के रखे हैं इसका फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैं रख दी हूँ तेल गर्म होने के लिए, ये रिफाइन ऑयल है और इसी में मैं ये पनीर फ्राई करूँगी। तो ये जो पेस्ट बना के रखी हूँ तो बताती हूँ आपको कैसे फ्राई करना है। तो देखिए ये जो है इसको ऐसे पकड़िए, इसको पहले ऐसे मिक्स कर दीजिए क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद से इसको हम ऐसे डुबा देते हैं। इसमें डुबाने के बाद आप चाहे तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं और नहीं तो ये जो सूखा वाला कॉर्नफ्लोर रखी हूँ इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, एकदम अच्छे से पैक हो जाएगा। कितना अच्छा हो गया, कोई चांस ही नहीं है ये फटने का। और इसको हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो ऐसे करके मैं सारा फ्राई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन हो गया है, तो ऐसे ही हम निकाल देंगे, ज़्यादा हमको ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसको हम ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 4 चम्मच में मक्खन इसमें ऐड की हूँ। आप चाहे तो तेल से भी इसको तड़का लगा सकती हैं, मक्खन से भी, घी से भी। तो मक्खन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसके वजह से मैं मक्खन का तड़का लगा रही हूँ। ये जो तेल है देखिए हीट हो गया है, तो इसमें मैं जीरा ऐड कर दे रही हूँ 1/2 चम्मच और ये कस्तूरी मेथी, हींग, ये सारा मैं इसमें चटकने दे रही हूँ कम से कम 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे मीडियम फ्लेम करना है। तो देखिए दोस्तों ये जीरा पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है और 1/2 चम्मच हल्दी है। तो देखिए मसाला ऐसे घोर के पानी में इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसको हमको ज़्यादा नहीं भूनना है और इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये सारा जो ग्रेवी बनाने के लिए मैं पेस्ट बनाई थी इसको सारा ऐड कर दी हूँ। तो इसको हमको कब तक भूनना है, जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे, इसके ऊपर तेल ना तैरने लगे, तब तक हमको इसको भूनना है। तो आप देख सकती हैं ये जो ग्रेवी है, ये मसाला जो है तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। अब इसी स्टेज पे जो क्रीम है इसको हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये क्रीम जो है इसको हम ऐसे फेंट के डाल देते हैं। तो ये क्रीम हम सारा इसी में ऐड कर दी हूँ। तो कम से कम इसको क्रीम के साथ 3 से 4 मिनट और हम भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इस सब्ज़ी का, कलर हमको येल्लो ही लाना है। तो देखिए येल्लो एकदम अच्छे से आ गया है और ये भुना भी गया है। तो इसको 1-2 मिनट और ऐसे भूनेंगे और इसमें पानी हम ऐड कर देंगे। ये तेल एकदम अच्छे से छोड़ दिया है, कढ़ाई भी छोड़ दिया है। तो ये हमारा मसाला एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर देती हूँ। तो हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो देखिए ये सब्ज़ी का कलर एकदम परफेक्ट आया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। तो देखिए सब्ज़ी का ग्रेवी हमको गाढ़ा ही बनाना है, तो देखिए इतना ही गाढ़ा सही है। और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से एकदम पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से इसका कच्चापन ना निकल जाए, उबाल ना खा जाए। 1-2 बार तब तक बंद नहीं करना है गैस। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम अच्छे से पक गया है। तो थोड़ा सा मैं धनिया की पत्ती इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। आप चाहे तो ग्रेवी में पनीर डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर भी ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए ऐसे करके
तो आप देख सकते हैं ये मैं पनीर इसमें ऐड कर दे रही हूँ। देखिए ग्रेवी में कितने अच्छे से ये लिपट गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको मैं प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। तो अगर आपको पनीर पसंदा सब्जी बनाना है तो हमारे वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों आप ज़रूर अपने घर पे ऐसे ट्राई करके देखिएगा, पनीर पसंदा सब्जी बना के आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो इस तरह की सब्जी बना के खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसका डेकोरेशन कर दे रही हूँ पहले, और ये जो ग्रेवी है इसके ऊपर से हम ऐसे गिरा दे रहे हैं, और ये धनिया की पत्ती है इसको भी ऐसे सजा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा क्रीम है। तो दोस्तों ये हमारा पनीर पसंदा की सब्जी आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।